इसमें लिखा गया है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन फीडिंग बिहेवियर फॉर फिश, कि फिश के लिए जो है ना फीडिंग बिहेवियर के लिहाज से जो है ना कौन कौन से इन्वायरमेंटल जो है ना इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले एक बात करें ना, फिश ने डिवेल्प किया होता है बिहेवियर फीडिंग पैटर्न जो कि इंतहाई सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के हवाले से। जब हम लोग बिहेवियर पैटर्न को जान लेते हैं किसी भी फिश की पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में, किसी भी फिश की पर्टिकुलर स्पीशीज का बिहेवियर पैटर्न लोग जान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना प्रोड्यूसर जो है ना वो अडॉप्ट कर लेता है फीडिंग सिस्टम को, ताकि जो है ना उस लिहाज से जो है ना लेबर को इस्तेमाल किया जा सके और फीड का इस्तेमाल किया जा सके। कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है ना फीडिंग बिहेवियर पर वो असरात मुरतब करते हैं। सबसे पहले बात करें ना सेंसरी यूज़ के बारे में, किसके हवाले से सेंसरी यूज़। कुछ फिश डिपेंड करती हैं लार्जली सेंस ऑफ साइट के ऊपर ताकि आसानी से हंटिंग कर सकें खुराक के लिए। सबसे पहले क्या है जी, सेंसरी यूज़, सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया जाता है सेंसरी यूज। कुछ फिशेस क्या है जी, वो डिपेंड करती हैं लार्जली ऑन द सेंस ऑफ साइट, किसके लिए, हंटिंग के लिए, फॉर हंटिंग, हंटिंग फूड। जबकि कुछ जो है ना वो प्राइमरली किसका इस्तेमाल कर लेती हैं, प्राइमरली ऑन टेस्ट, टेस्ट का, टच का या फिर स्मेल का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे पास है सीजन ऑफ द ईयर, किसका पॉइंट है जी, सीजन ऑफ ईयर, सीजन ऑफ, सीजन ऑफ, सीजन ऑफ, सीजन ऑफ ईयर। कुछ जो फिशेज है ना वो क्या कर लेते हैं, अपनी फीडिंग एक्टिविटी को ना स्टॉप कर देते हैं जब स्पैनिंग सीजन होता है। कौन सा सीजन होता है, स्पैनिंग सीजन होता है, ड्यूरिंग स्पैनिंग सीजन, स्पैनिंग सीजन में ये क्या कर लेते हैं, अपनी फीडिंग एक्टिविटी को कर लेते हैं स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप फीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। कुछ जो फिश होते हैं वो स्टार्ट कर लेती हैं इंक्रीजिंग फीड को स्प्रिंग में, जब स्प्रिंग का सीजन होता है तो क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं फीड, फीड इन टेक को, क्लियर है। ये किस रीजन की बात हो रही है, ये आमतौर पर टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन में इस तरह से होता है कि स्प्रिंग के सीजन में जो है फिश जो है वो अपनी इंक्रीज कर लेती हैं फीड इन टेक को। जबकि वाटर टेम्परेचर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है बढ़ना, वाटर टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेट जोन में इन द स्प्रिंग सीजन, टेम्परेट जोन में टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है और फिश क्या कर देती है वो स्टार्ट कर लेती है फीड इन टेक को, क्लियर है। और आमतौर पर क्या होता है पीक ग्रोथ पीरियड ऑफ फॉर मोस्ट फिश अकर इन द स्प्रिंग एंड समर। जब पीक ग्रोथ की बात करें ना, जब खुराक लेंगे तो डेफिनेटली फिश जो है ना उसकी जो है ना वो ग्रोथ होगी। पीक ग्रोथ किस सीजन में होनी है, स्प्रिंग में और समर में, क्लियर। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है टाइम ऑफ द डे, वक्त दिन के कौन से हिस्से में जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो एक्टिविटी जो है ना वो शो होती है। टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे, तो कुछ जो है ना फिश वो अपनी पीक फीड एक्टिविटी जो है ना वो डॉन और डस्क में हॉर्स में शो करती हैं, किसमें, डॉन एंड डस्क, डस्क हॉर्स ऑफ डे। वक्त के जो ड्यूरेशन है डॉन एंड डस्क में जो है ना वो अपनी ज़्यादातर जो है ना वो पीक फीड एक्टिविटी को जो है ना वो शो करती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, डेट इज़ द फोर्थ पॉइंट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द फूड, फिजिकल
कॉन्टैक्ट विद फूड, कि फूड के लिहाज से जो है ना वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में कितना जो है ना वो मुझसे साबित होता है। क्वाइट ऑफन द टेक्सचर ऑफ अ पोटेंशियल फूड सोर्स इज फेल्ट बिफोर द फिश विल कंज्यूम इट। क्या करती है कि फिश क्या करती है कि वो टेक्सचर को फील करती है, उसके बाद जो है वो उससे खुराक को हासिल करती है यानी कि उसको कंज्यूम करती है। डाइजेस्टिव एनाटॉमी देख लें, फिजियोलॉजी या फिर फीडिंग हैबिट्स वो डिफर होंगी मुख्तलिफ फिशेज में। कंपेयर किया जाए अगर हम लोग उसको वार्म ब्लडेड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिहाज से तो क्या होगी उनकी फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव एनाटॉमी और फीडिंग हैबिट क्या है वो डिफरेंट है। ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो एक्सप्रेस की जाती हैं कुछ टर्म्स में, इनर्जी, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह। ज़्यादातर जो रिसर्च है ना वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की वो कैटफिश के अराउंड है, सैलमन के और ट्राउट के इर्द गिर्द जो है ना वो बिलोंग करती है। ये था बेसिकली कुछ बिहेवियर पैटर्न कि किस लिहाज से जो है ना वो इन्वायरमेंट जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं फिश की फीडिंग के लिहाज से। अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ कि कैटेगरीज बेसिकली कौन कौन सी आ जाती हैं, यानी कि फीडिंग टाइप कौन सी आ जाती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कुछ फिशेज कार्निवोरस हैं, कुछ ओमनीवोरस हैं और कुछ क्या हैं हर्बीवोरस हैं। फीडिंग टाइप्स के हवाले से हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। किस लिहाज से फीडिंग टाइप, फीडिंग टाइप, फीडिंग टाइप के हवाले से सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, कार्निवोरस की। कार्निवोरस फिश, कार्निवोरस इन्होंने कंज्यूम करना होता है आमतौर पे एनिमल्स को। प्राइमरली कंज्यूम एनिमल्स मटेरियल, फूड को कंज्यूम किया जाता है। फूड कंज्यूम्ड दिस टाइप ऑफ फिश मे बी एज स्मॉल एज माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियंस को भी, या फिर उसमें लार्ज एम्फीबियंस भी आ सकते हैं और स्मॉल मैमल्स भी आ सकते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं जी, प्राइमरली किसको लेती है, प्राइमरली ऑन एनिमल्स, एनिमल्स भी आ सकते हैं ठीक है, कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, क्रस्टेशियंस वगैरह, क्रस्टेशियंस ठीक है, एम्फीबियंस वगैरह भी इसमें जो है ना वो शामिल होते हैं। क्लियर है, कार्निवोरस के लिहाज से देखिए तो इस तरह से भी जो है ना वो कार्निवोरस स्पीशीज जो है ना अपनी खुराक को हासिल करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हर्बीवोरस के हवाले से। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या करना होता है, सबसेट करना होता है प्राइमरली ऑन वेजिटेशन पर, प्राइमरली ऑन वेजिटेशन पर ठीक है, इस पर डिपेंड करना होता है, डिके करना होता है इसे ऑर्गेनिक मटेरियल को, इन्वायरमेंट में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को करना होता है डिके करना होता है, डिके करना होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। क्लियर है। नेक्स्ट है जी हर्बीवोरस के बाद बात करते हैं हर्बीवोरस, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमनी वोरस के हवाले से। इन्होंने क्या करना होता है, कंज्यूम करना होता है ऑलमोस्ट एनी फूड सोर्स को, चाहे वो कार्निवोर से बिलोंग करता हो या हर्बीवोर के, चाहे वो गोश्त हो या फिर हर्ब्स वगैरह हो, एम्फीबियंस हो, स्मॉल क्रस्टेशियंस हो, एनिमल फीड हो या फिर वेजिटेशन हो, ये जो है ना कंज्यूम ऑलमोस्ट एनी फूड सोर्स इधर प्लांट और या एनिमल ओरिजिन कंज्यूम almost any food plants या फिर animals। क्लियर है, ये था बेसिकली फीडिंग टाइप के हवाले से।